लेकर कोई मीटिंग हुई, कुछ चर्चा हुई लोकसभा चुनाव में, कैंपेन कैसे आप लोग करेंगे और उसमें किसकी क्या भूमिका, किसकी क्या भागीदारी रहेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के ऑलरेडी सभी राज्यों में कैंपेन चल रहा है। पंजाब के अंदर पहले से ही कैंपेन अरविंद जी ने और भगवंत मान जी ने लॉन्च किया था, वहाँ कैंपेन चल रहा है। दिल्ली के अंदर भी जेल का जवाब वोट से कैंपेन शुरू हो चुका है। आसाम के अंदर भी हमारा कैंपेन चल रहा है। कुरुक्षेत्रा के अंदर भी हमारा कैंपेन चल रहा है, अभी मान साहब का वहाँ रोड शो हुआ है। गुजरात के अंदर भी अभी वहाँ नॉमिनेशन होने जा रहा है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हो रहेंगे, नॉमिनेशन करेंगे। तो सभी सीटों पे हमारा कैंपेन चल रहा है। अगले हफ्ते हम बैठ करके इसका और डिटेल प्लान चेकआउट करेंगे, फिर आपको सूचित करेंगे। गोपाल जी, पार्टी के द्वारा जानकारी ये दी गई कि लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग है और इस मीटिंग में सुनीता केजरीवाल भी शामिल हो रही है। पहली बार, हमारी जानकारी के हिसाब से पहली बार पार्टी की किसी मीटिंग में वो शामिल हुई हैं। क्या आधिकारिक रूप से पार्टी की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है कुछ? देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी के सभी लोग कल, चूँकि मुख्यमंत्री जी के साथ अभी संपर्क जेल जाने के बाद हम लोगों का सीधा नहीं हो रहा था, कल सुनीता जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी। अभी पार्टी और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो संदेश वाहक की जिम्मेदारी है उसको सुनीता जी निभा रही हैं। मुख्यमंत्री जी का संदेश उन्होंने हम लोगों तक पहुंचाया है और हम लोग उसके आधार पर आगे काम कर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई सभी मिल के लड़ेंगे, ये लड़ाई केवल पार्टी की नहीं है। जब संविधान को बचाने की लड़ाई है तो हर व्यक्ति, हर परिवार का हर सदस्य सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या गोपाल जी, सुनीता केजरीवाल भी जो हैं वो स्टार कैंपेनर की तरह इस बार लोकसभा चुनाव में प्रचार? देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि उसको लेकर के हमने प्रचार शुरू कर दिया है सब जगह। अगले हफ्ते और डिटेल प्लान हम करेंगे, सभी स्टार कैंपेनर की लिस्ट आएगी और सभी लोगों का प्लान करेंगे डिसाइड, वो फिर हम आपको सूचित करेंगे।